जेटीआर अलमनाई एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम से मोहम्मद नदीम आपसे मुखातब है। सबसे पहले आज की अहम खबरें। खबर आपको दें कि पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के सुपर हाईवे कराची दफ्तर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। सरपरस्त आला जामे तुर्शीद मुफ्ती अब्दुलरहीम साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सरपरस्त आला जामे तुर्शीद मुफ्ती अब्दुलरहीम साहब ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, इन हालात में इतने बड़ी आफत को, इतने बड़े हादसे को संभालना किसी एक के बस में नहीं होना, ये चाहिए कि इसको पूरी कौम इसकी इकट्ठी हो। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी शुरका से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने फरमाया, ट्रस्ट के साथ तआवुन में फ़ायदा ये होता है कि आपकी रकम किस गरीब का पेट भर रही है इसका आपको खुद भी पता नहीं होता। इज्तिमाही रकमें जाके गरीबों का पेट भर रही होती है, तो जिस पर एहसान हो रहा है इंसान उसके सामने नहीं आता, इसमें इखलास का पहलू भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सरपरस्त आला जामे तुर्शीद मुफ्ती अब्दुलरहीम साहब ने डिफेंस में कायम पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के रिलीफ कैंप का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन के लिए रकम डोनेट की। सैलाब मुतासरीन में फैलती वबाई अमराज और सेहत के संगीन मसाइल के हल के लिए पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट ने मोबाइल क्लिनिक का इंतज़ाम कर दिया है। जितने भी सैलाब से मुतासर इलाके हैं और वहाँ पर जो बीमार सैलाब मुतासरीन हैं उनका फ्री इलाज किया जाएगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जेटीआर मीडिया हाउस को कमेंट्स रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप हजरात के इल्म में ये बात हम बारहा ला चुके हैं कि 40 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो सैलाब से मुतासर हुए, जो मौजूदा सैलाब है। इनमें जो हमारा सर्वे है जिसमें बड़े बड़े इदारों से मदद ली गई है और ख़ुद हमारा अपना सर्वे भी है, उसके मुताबिक 50 लाख ख़वातीन मुतासर हैं। उन 50 लाख ख़वातीन में 5 लाख वो हैं जो प्रेग्नेंट हैं और इनमें 3 लाख के करीब वो ख़वातीन हैं जिनकी हाँ बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ चुका है। आप खुद सोच सकते हैं कि पानी चारों तरफ हो तो इन ख़वातीन पर क्या गुजर रही होगी और इनको किस कदर शदीद मदद की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट ने प्रॉपर तरीके से सर्वे करके मोबाइल मेडिकल क्लिनिक का भी इंतज़ाम किया है। चलती फिरती क्लिनिक होगी जिसमें डॉक्टर्स का इंतज़ाम होगा और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में मुब्तला हैं उन प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए मोबाइल मेटर्निटी क्लिनिक का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है और उसमें लेडी डॉक्टर ही होगी, ख़वातीन डॉक्टर ही होगी जो इन इलाकों में जाके जो ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी के मसाइल से जो दो चार हैं उनका इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करेंगे। रिलीफ नामा से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अहम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा जेटीआर मीडिया हाउस का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल।